नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों में मॉनसून जिस तरीके से सक्रिय रहा है उससे कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई है, लेकिन अब मौसम विभाग ने एक बार फिर से येलो अलर्ट जारी किया है मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश के लिए। भारी बारिश का येलो अलर्ट जिन जिलों के लिए जारी हुआ है उनमें छतरपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, छिंदवाड़ा, ये तमाम जिले हैं जिनका नाम शामिल है। इसके अलावा जबलपुर, उज्जैन, ये तमाम ऐसे संभाग हैं जिनमें भारी बारिश के साथ साथ बिजली गिरने का भी येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। अब आपको बता दें कि दरअसल बीते एक हफ्तों से अगर हम देखें तो राजधानी भोपाल समेत आसपास के तमाम इलाकों में मॉनसून सक्रिय है, रोजाना बारिश का दौर हो रहा है। और इसके अलावा जब हम बात करें तो ये पीछे की वजह जो मौसम विभाग बता रहा है उसके लिए जो मॉनसून का क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी में, उसमें एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके चलते मध्य प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक एक्टिविटी जो है वो सक्रिय है और इसी के चलते मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में रोजाना या तो काले घने बादल छा रहे हैं या फिर बारिश का दौर भी हो रहा है। लेकिन इन सबके बीच छिंदवाड़ा में रविवार दोपहर तेज बारिश के बाद ज्यादातर सड़कें तब्दील हो गई। आपको बता दें कि शनिवार रात से ही छिंदवाड़ा में बारिश हो रही थी, मौसम सुबह से ही खुशनुमा बना हुआ था, लेकिन रविवार दोपहर होते होते जोरदार बारिश छिंदवाड़ा में शुरू हो गई जिसके बाद ज्यादातर इलाकों में सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। मौसम विभाग का हालांकि मानना है कि अभी इस तरीके की बारिश अगले एक हफ्ते तक और होगी और इसके चलते ज्यादातर जो जिले हैं जहां पे फिलहाल सामान्य से कम बारिश हुई है वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि सितंबर का पूरा महीना मॉनसून की सक्रियता के हिसाब से काफी सकारात्मक अभी तक देखने को मिल रहा है और अभी जो बचे हुए दिन है सितंबर के उसमें भी ज्यादातर हिस्सों में इसी तरीके की बारिश होने की संभावना है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात अभी भी ग्वालियर चंबल संभाग के लिए है जहां पर शुरुआत में इतनी बारिश हो गई कि अब वहां पर बारिश नहीं हो रही है और इसके चलते वहां के लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है।